अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। वेलकम इन द मैथ्स क्लास। दिस क्लास इज फॉर स्टैंडर्ड थर्ड, सेमी इंग्लिश उर्दू। लेट्स लर्न मैथ्स विथ मोर फन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू कंसेप्ट नंबर वर्क। मैथमेटिक्स इन द टेबल बिलो कलर द बॉक्सेस ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10 रेड। फर्स्ट चैप्टर आपको 1 से 10 नंबर को रेड कलर करना है। द बॉक्सेस ऑफ द नंबर्स 11 to 20 ग्रीन, 11, 12, 13, 14 फ्रॉम 20 यू हैव टू कलर दिस बॉक्सेस ग्रीन। इन बॉक्सेस को ग्रीन कलर करना है। उसी तरह 31 से 40, 21 से 30 आपको डिफरेंट कलर्स यूज करके उसको कलर करना है। और अंडरस्टूड भी क्वाड्रिलेटरल है। तो ये एक्टिविटी आप अपनी बुक में कर लीजिए। फोर कॉर्नर्स और फोर एजेस होंगे, वो होगा क्वाड्रिलेटरल। राइटिंग द नंबर फ्रॉम 26 to 99 इन वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स नंबर्स आपको दिए हुए है। 26, ये क्या है, 27, 28, 29, 30, फ्रॉम 99 सर्कल। So dear students, you have to write and learn the spelling of this number. Understood? ये सब आप second next is introducing 100. तो आज हम देखेंगे main हमारा topic है। Look at the pictures below. Identify the geometrical figure. Draw it and write its name. There are picture is monitor. The shape of monitor is rectangle. Candy. Second is कैरम बोर्ड। हियर आर वन शेप ऑफ द कैरम बोर्ड इज स्क्वायर। टोनी ने क्या कहा, इसमें थर्ड इस बाउल में कितने कैंडीज है, सैंडविच 100 कैंडीज है। ट्राइंगल एंड द फोर्थ वन इज आइस मोबाइल फोन। द शेप ऑफ मोबाइल फोन इज रेक्टेंगल। नंदू ने क्या कहा, फोर्थ वन इज बेंगल सेंचुरी बनाया। शेप ऑफ अ बेंगल इज सर्कल। देखिए आपको नेक्स्ट क्या करना है। I counted these bangles, the triangles, circles and quadrilaterals in the picture above. ये जो color the triangles red, ये the quadrilaterals है? Ten blue tens. And the circles yellow. One तो ten आपको triangles को 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10, triangles को red color करना है। 7 10, 8 10, 9 10, triangles को red color करना है। These are 100 bangles और quadrilaterals को blue और circles को yellow color. सोनू ने क्या कहा, आई बॉट 100 ऑरेंजेस। उसने कितने ऑरेंजेस लाया है, 100 ऑरेंजेस। देयर आर 100 ऑरेंजेस इन दिस बास्केट। पीस ऑफ बर्फी, ताई एक बर्फी का पीस। ऑल ऑफ यू हैव द सेम नंबर ऑफ थिंग्स बट ईच ऑफ यू सेड इन अ डिफरेंट वे। फोर कॉर्नर्स, अ सेंचुरी हैज 100 यूनिट्स और सिंपली इट्स 100। 10 tens are also 100. अब ताई ने क्या कहा कि आप लोगों के सभी के जो चीजें हैं वो सेम है, लेकिन आपने उसे डिफरेंट वे में बताया। जैसे कि सेंचुरी जो होती है, यानी कि 100 ऑफ अ टेबल। अब ये जो टेबल का जो सेंचुरी है 100 यूनिट्स, कितने यूनिट्स डज द सरफेस हैव। इसी तरह सरफेस पर कितने 10 tens, जैसे कि 10 tens हमने देखा है, तो ये भी क्या है, 100 है। देखिए 1, 2, 3 सोनू पुट 100 टेबल के सरफेस के 4 एजेस है फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज द सरफेस हैव। सोनू ने क्या किया, इस कॉर्नर्स कितने स्ट्रिंग में 100 देखिए 1 बीट इसमें डाला है। 2 हियर इज अ पर्स ऑफ 100। इस पर्स में क्या है, 100 है। यहां पर टेबल के सरफेस के 4 कॉर्नर्स। लुक हियर, व्हाट इज द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल। देयर आर टेबल के सरफेस बंडल ऑफ मैचस्टिक्स इन अ वन बंडल। देयर आर सकते और क्वाड्रिलेटरल भी मैचस्टिक्स बोल सकते। अंडरस्टूड। नाउ लुक हियर, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। टेक अ बंडल ऑफ मैचस्टिक्स शीट ऑफ अ पेपर As in one bundle, how there many are edges and how many corners does a rectangle and have? How many we know bundle that of rectangle here? Have 4 corners and 1, 2, edges. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means there are 4 edges. 10 tens. 10 tens means 10 tens of sticks makes 100. These are the
फोर दस कॉर्नर्स ऑफ जो टेन रेक्टेंगल एंड दीज आर द फोर मैचस्टिक्स के टेन बंडल्स है, यानी कि इसमें कितने मैचस्टिक्स है, हंड्रेड. टेन लेट अस फोल्ड द पेपर इन द मिडल टू ब्रिंग मैचस्टिक्स एजेस टुगेदर. वन हंड्रेड पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देना है. आप क्या देखेंगे कि उसके जो अपोजिट एजेस है वो एक दूसरे पर 20 रुपीस नोट्स अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं. फाइव नोट्स ऑफ 20 रुपीस, वन टू द लॉन्गर साइड फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड. फाइव नोट्स ऑफ 20 रुपीस ये जो लॉन्गर साइड है वो 100 रुपीस एक दूसरे पर 20 फोल्ड हो रही है. 60 80 इस तरह से 100 द शॉर्टेज. अगर हमारे पास फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द साइड नोट्स है 20 रुपीस की तरह अगर हम उसको इस तरह से फोल्ड करें ये है तो शॉर्टर साइड भी दैट इज 100 अच्छे से रुपीस ओवरलैप हो जाएंगी. फाइव नोट्स ऑफ 20 रुपीस ईच मेक 100 रुपीस. अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ होल 100. रिमेंबर दिस पॉइंट और हंड्रेड्स द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स को मिलाकर 100 की होती है. मींस लुक हियर 9 बीट्स ये साइड 1 बीट और ये साइड ये अपोजिट साइड है पहले देखा था ये दोनों भी इक्वल होगी. हैव 9 बीट्स सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल होगी. अंडरस्टूड. वी विल एडिंग वन मोर बीट सो देयर विल बी 10 बीट. इट मींस 110. अगर हम 10 बीट्स को इकट्ठा कर ले रहे हैं तो ये क्या है 110 है. उसी तरह अ ग्रुप ऑफ 10 थिंग्स इज कॉल्ड अ 10. किसी भी 10 चीज़ों के ग्रुप को क्या कहते हैं 10. अब लुक हियर 110 210 310 410 510 610 710 810 एंड 910. हाउ मेनी टेंस हियर 910. 910 मींस 90 and this 9 units 99. If we have 99 is the biggest 2 digit number. 99 kya hai biggest 2 digit number. Agar koi hame bole ki biggest 1 digit number kaun sa hai to wo hai 9 aur smallest 1 digit number kaun sa hai 0. usi tarah biggest 2 digit number kaun sa hai 99. When we add 1 to it, we get the 3 digit number 100. When we add 1 to it, we get 3 digit number 100. 9 plus 1, 10. 0, carry 1. And 9 plus 1, 10. It means 99 plus 1 is 100. The new place on the left in the 3-digit number 100 is the place of hundreds. 100 means 0 unit, 0 tens, 100. 100 means what? 0 unit, 0 ten, and 100. Look here, 200 means, अब 100 क्या है? 100 is a 3 digit number. 200 means, in this bag, there is 100 beats and in this bag, there is 100 beats. It means, there are 200. 300 100 200 300 400 1 2 3 400 1 2 3 4 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100. Suppose in a 100 bag there will be 100 beads or 100 coins whatever. अब आप ऐसे सोचिए कि इस बैग में 100 coins है या 100 beads है.
और उससे बिन कर क्या बन रहा है, एक 100 का बैग. अंडरस्टूड? दिस इज टेंस. हाउ मेनी टेंस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tens make a 100, that is 100. अगर 10 tens है तो क्या बनेगा 100. 20 tens है तो क्या बनेगा 200. उसी तरह 30 tens है. If there is 30 tens, it will be 300. 40 tens make 400s, that is 400. 50 tens means 500, that is 500. Understood? Now, dear students, let's see three digit numbers introduction. अभी हम three digits number देखेंगे. In the empty boxes, write the number in words. अब देखिए, this is crayons. आप जिसे color करते हो. इस box में 100 crayons है. It means this is 100. And this one crayon 100. Tens है क्या यहाँ पर? नहीं. 0 tens, 1 units. 101 in figure. 101 in words. 101. Second है 102 carry-ons. 100, 0 tens, 2 units. 102 in words. 102. 103 units. 100, 0 tens, 3 units. 103. अब यहाँ लिखेंगे आप 103. 104 tens. 100, 0 tens, 4 units. 104 in words. 104. 105 units. 100, 0 tens, 5 units. 105 in words. 105. 106 tens. 100, 0 tens, 6 units. 106. 106. 107 units. 100, 0 tens, 7 units. 107 in words. 107. 108 units. How many units are there? 8 units. 100, 0 tens, 8 units. 108 in words. 108. Next है 109 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 units. 100, 0 tens, 9 units. 109 in words. 109. Next है 101 ten. अभी ये 9 यहाँ पर थे, तब तक units थे. अब जब 10 हो गए तो ये क्या बन गया? 110. 100, 110. अभी units है क्या यहाँ पर? नहीं है. It means here is 0 unit. 100, 110s. 0 units. 110 in words. 110. Understood? Yes, student. 3-digit numbers introduction और उसके आगे के जो numbers है 254, 617, ये जो है हम next video में देखेंगे. तो हम मिलेंगे next video में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.